तो आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट के एक ऐसे वर्ल्ड में जहां पर हम लोगों पे हमला करने वाले हैं बहुत सारे मॉब एंड ज़ॉम्बीज। तो सभी मॉब्स एंड ज़ॉम्बीज से फाइट करने के लिए हम लोगों को यहां पे खोजना होगा अलग अलग प्रकार के गन्स जो यहां पे रखे हुए चेस्ट में मिलेंगे। हम लोग यहां पे इन सभी ज़ॉम्बी को डिफीट कर पाते हैं, जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बटन्स हैं और मैं जिन जिन बटन को छूऊंगा एक अलग अलग मैप में लेके चले जाएंगे। तो इन सभी मैप में हम लोगों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के डिफिकल्टीज एंड यहाँ पे ज़ॉम्बी से फाइट करना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे ना अभी तो बॉस है, बॉस को हम आखिरी में खेलेंगे ना। यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने पर हमारे पास एक रिवॉल्वर मिल चुकी है एंड यहाँ पे मैप एंड उसके बाद हमारे पास एक नाइफ पड़ी हुई है ना। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे तुम लोग सुन सकते हो यहाँ पे ना ज़ॉम्बी की आवाज आने शुरू हो चुकी है। एंड यहाँ पे यहाँ पे गाइस मेरा पहला चेस्ट मिल चुका है। ओ चेस्ट में नहीं, तो इस बटन को टिपने से हमें यहाँ पे क्या भाई यहाँ पे यार कैसे आ जाते हैं यार ये भाई इसके सर में तो यार क्यों भाई लगता है इसके सर में ना किसी ने बहुत जोर से पत्थर मार दिया था ना, इसीलिए यहाँ इन सभी भाई यहाँ पे सभी के सर में पत्थर बहाने क्या है यार। एक सीन यार, एक मेरे पास तो यहाँ पर M4 है। एक सीन पहले यहाँ पे M4 निकाल कर सभी को ढूंढते हैं एंड उसके बाद यार रिलोड हो मरो इतना ज्यादा रिकॉल है यार, इसकी इतनी ज्यादा रिकॉल है कंट्रोल ही नहीं होता। एंड यहाँ आ जाओ सबको लभी यार, ये तो लग ही नहीं रहा भाई, इसका रिकॉल तो बहुत ही ज्यादा हाई है। एंड यहाँ पे तो हमें यहाँ पे हमने फाइनली यहाँ पे हम लोग किल कर दिया, दूसरा चेस्ट जीत गया। एंड दूसरे चेस्ट तो दबाते हैं यार, तो इस चेस्ट में तो कुछ तो हुआ ही नहीं, फालतू चेस्ट है। यहाँ पे टाइम वेस्ट किया गया। एंड यहाँ पे हमारा तीसरा चेस्ट मिल चुका है। ओ यहाँ पे हमें उजे डाई मिल चुकी है एंड उजी, तो पब्जी में तो इसे उजी कहते हैं ना। उजी तो अच्छा चल तो नहीं रही है एंड यहाँ पे हमारे M4 ही बहुत बढ़िया काम कर रही है। एंड उसके बाद ना अभी मैं तो यहाँ पे मेरे को चौथा चेस्ट भी मिल जाता है एंड जहाँ पे मुझे मिल जाता है स्कारल। एंड स्कारल से मैं यहाँ पे सभी ज़ॉम्बियों को धोने लग जाता हूँ। एंड लेकिन अभी तो आ तो कोई नहीं है ना, अभी आगे चलते हैं भाई, डैमेज तो अलग ही पड़ रहा है। एंड यहाँ पे नीचे तो जाने का रास्ता तो बंद है एंड यहाँ पे भी एक चेस्ट रखा है, देख लेते हैं। एंड इस चेस्ट में ओ भाई साहब यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन गन, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑटोमेटिक मशीन गन मिल चुकी है। एंड देन यहाँ पे भाई लगता है इसका बहुत अच्छा भाई यार, इसको मारना तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, कितना ज्यादा इसके पास हेल्थ है भाई यार। एक मशीन गन चाहे कि और कुछ ही है, मर जा मर तो नहीं रहा भाई यहाँ पे ना, इसको तो इस कारल से मर जाएंगे भाई। तेरा चमचा तो एक अलग ही पसंद कर रहा है यार, यहाँ पे इसके पास पिकैक्स कहाँ से आ गई भाई, यहाँ पे ये माइन करता था क्या यार, गोल्डन वाली पिकैक्स इसके पास है, इसके चमचे तो अलग ही पसंद कर रहे हैं। और इसको यार अपने यार ये तो स्टोन वाले हैं यहाँ पे ना, पहले यार इसको खत्म करो यार, ये बहुत ज्यादा हेल्थ वाला लड़का है, इसको खत्म करो ऐसा है, इसको खत्म करो, इसको पहले ना पहले खत्म कर दो। अरे भाई कहाँ मर गया, कितना ज्यादा हेल्थ है तेरा, मर नहीं रहा यार, इस क्या दिक्कत है भाई, इसको कितना ज्यादा हेल्थ है बटला, इसके नेदर में नेदर का पूरा आर्मर पहन रखा है क्या यार। अब इसकी तो फाइनल, इसकी तो डेथ होने वाली है, बस यहाँ पे कुछ ही होगी। एंड यहाँ पे इसकी डेथ, मर गया। तो यहाँ पे हमने इसको यार, इसके पूरे एक बॉस था, इस बॉस को हमने यहाँ पे मारा है। एंड देन अभी यहाँ पे इस मैप को लेके चलते हैं, देखते हैं गाइस अभी आगे हम लोगों को क्या मिल जाता है। एंड आप लोग यहाँ पे भी भाई ये तो टनल की तरफ दिखा रहा है क्या, पूरा यहाँ पे भूल भुलैया जैसा बना रखा है यार, एक तो इन्होंने इसीलिए तो इन्होंने मैप दे दिया है जिससे कोई आदमी भटके ना। यहाँ पे यहाँ पे एक और चेस्ट रखी है, ओ AWM हमें मिल चुकी है AWM ना। इससे यहाँ पे किसको ट्राई किया जाए, बंदा एनिमी एक ही बचा है, इसको तो हेड पे। और यहाँ पे हम लोगों ने इस मैच को आसानी से जीत लिया है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने वाले दूसरे पड़ाव पे, यानी अपने दूसरे मैप में। एंड अब हम लोग यहाँ पे दूसरा मैप खेलते हैं, पहला बहुत आसान था मेरे लिए। एंड अभी यहाँ पे दूसरा मोड चालू कर देते हैं। यहाँ पे पहली वेव स्टार्ट हो गई है और हमें यहाँ पे एक पिस्टन मिल चुकी है और यहाँ पे एक नाइफ मिली है। देन हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बी का वेव आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या मैं इन सभी पिस्टन से यार मतलब पिस्टन से इन सबको ठोक सकता हूँ? वैसे एक ज़ॉम्बी से यहाँ पे दो एमो खा रहा है, उस हिसाब से तो लगता है कि भाई यहाँ पे मैं तो मेरा एक वेव भी टिक पाना ही इम्पॉसिबल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो है एंड नहीं दो एमओ में एक एनिमी मर रहा है, एक एनिमी क्या या ज़ॉम्बी मर रहे हैं। तो हम लोगों को अभी तो यहाँ पे कोई गन तो चाहिए, यहाँ पे गन रखी है, उसके लिए हम लोगों को अपनी एक्टिव 500 करना होगा। नॉर्मल मैप में हम लोग यहाँ पर अपनी एक्टिव 500 पहुँचा ही नहीं पाते हैं,
पहुँचाते पहुँचाते तो कहीं ना कहीं ढिल जाते हैं, हार्डकोर मोड में भी कहीं कहीं मैं ढिल जाता हूँ भाई। एंड उसके लिए अभी यहाँ पे हम लोगों को 500 XP बनाना होगा ना, यहाँ पे 500 XP हो चुकी है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने हमारा निकाल लिया ये शॉटगन। भाई साहब क्या शॉटगन मस्त चल रही है भाई, एक हेड और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी खत्म, बहुत क्या गन है। एंड यहाँ पे लगता है बहुत आसानी से मार दूंगा। एंड यहाँ पे इनका लगता है मॉन्स्टर आ चुका है। एंड यहाँ पे तो डेमो, एंड यहाँ पे इसको एक सेकेंड भाई, यहाँ पे इसका तो वारंटी कम हो रही है क्या यार, इसकी पावर घट रही है क्या, मतलब दो एमओ, अब यहाँ पे दो एमओ खाने लग गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे दो एमओ चलने दीजिए। एंड इसके बाद ना इन सभी को सही काम करते हैं गाइस, यहाँ पे फटाफट से यहाँ सभी कमरों को हम निपटा लेते हैं। एंड देन यहाँ पे ज़ॉम्बियों का वेव आना और स्टार्ट हो ही चुका है। वैसे यहाँ पे तो भाई यहाँ तो चारों तरफ से ज़ॉम्बियों को मुझे घेर रहे हैं, घेरने के बाद तो लेंगे क्या छोड़ो, लेकिन फिर भी यहाँ पे सभी को हेड। ए भाई साहब यहाँ पे ना तो निकल, अरे भाई यहाँ पे कितना TNT भाई, के पास TNT है क्या, मेरे पास आके यहाँ पे एक्सपोज हो जाता तो। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ बच चुके हैं भाई, यहाँ पे अपना हेड भाई उस वाले मैप में तो अपना स्टोन कर दिया था, यहाँ पे अपना हेड अपना हेड में आ रहे हैं, TNT लगा के आ रहे हैं यार, इनको तो कोई शर्म लिहाज तो है नहीं ना। यहाँ पर भाई ब्लास्ट कर रहे भाई, खुद तो मरेगा मेरे को भी मार डालेगा भाई। यहाँ पर एक को ख़त्म किया मैंने। एंड यहाँ पे ना अभी भाई TNT वाला के पास तो जाना नहीं है, क्योंकि यार अभी फूट जाएगा, अपने तो शहीद हो जाएगा साथ में मेरे को भी लेके जाए, अलकायदा के वाले आतंकी है मेरे को लगता है पूरा वाले तरीके से। यहाँ पे भाई यहाँ पे तो एक सीजन भाई मर तो नहीं रहा यार, यहाँ पे लगता है भाई इस गन की गारंटी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे सभी को यहाँ पे तीन तीन चार चार गोलियाँ मारनी पड़ रही है सही के ज़ॉम्बी को, तब जाके फिनिश हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये लगता है कि मेरी 5वीं वेव आ चुकी है, एंड यहाँ पे इसीलिए चारों तरफ से मुझे ज़ॉम्बी घेर रहे हैं। एंड यहाँ पर इनका बॉस तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है, लेकिन यहाँ पे पहले मैं बॉस को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना बॉस के पास बहुत ज़्यादा XP होती है और वो मेरी बहुत ज़्यादा XP लेके भी जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेदर वेदर का कोई भी आर्मर तो छोड़ यार ढंग की गन नहीं है, गन भी एक दे दिया है इन लोगों ने जिसकी वारंटी ख़त्म होती जा रही है, जितनी गोलियाँ मैं चला रहा हूँ उतनी ही इसकी वारंटी ख़त्म होती जा रही है। और यहाँ पे देख सकते हो मेरा XP की बिल हवा चल चुकी है, और यहाँ पे भाई क्या कुत्ते भाई डॉग भी आके मार के चला गया है यार। पाँचवीं तो यहाँ पर हमने सर्वाइव किया 5वीं तक, एंड यहाँ पे हमारा गेम ओवर हो चुका है। तो गाइस अभी हम लोग अपने चलते हैं अपने तीसरे वाले गेम मोड में, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो दोबारा से एक पिस्टल फिर मिल गया है और फिर एक नाइफ मिली है, एंड यहाँ पे फिर यही गन यार, इसमें तो कोई पावर ही नहीं थी, फिर भी इस गन को हमें थमा दिया कि यार ये ले चलाओ, इस गन की वारंटी उसी वाले में तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर नहीं फिर से वापस देना है इन लोगों को है। यहाँ पे भाई जो मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ रहा है और उसी से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना। यहाँ एक भाई यहाँ पे ट्रैप लगा के रखा है क्या, बटन तो है लेकिन यहाँ पे ट्रैप है, क्योंकि लगता है लावा नीचे है और ऊपर से इन लोगों ने कवर कर रखा है। वाह ये मतलब इतनी बड़ी गन से कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे छोटी गन दे दी है ये भाई, इसके अंदर तो ये TNT एक्सप्लोज करता है क्या। देखो भाई यहाँ पे ना पहले चलते हैं यार, देखने तो कुछ मस्त लग रहा है इसकी सेंट, पहले चलते हैं इसकी ज़ॉम्बियों को ऊपर ट्राई करते हैं कि यार फटता कैसे अभी ये, क्योंकि इससे लगता है कि TNT एक्सपोज करता है एक सेंट तेरी तो। ओ भाई ये बात मिल जा रहा मेरे को गन गन तो TNT देख रहा हूँ, सबकी चालो किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबके ऊपर TNT मार दूंगा। देखो TNT मेरे को मिला है, TNT गन, इसका नाम भी तो पता नहीं सुन, TNT गन मैं तो इसको ऐसे ही बोला देता हूँ ना। इसको अभी एक से भाई यहाँ पे कुछ तो छुपा के रखा गया था शायद से, हाँ यहाँ पे पता नहीं क्या है क्यों है। एंड अभी तो यार नीचे तो कुछ तो है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन लोगों ने सीक्रेट दो तो यहाँ पे गन छुपा के रखी हुई है, मैंने बोला था ना इस मैप में यहाँ पे गन छुपा के रखी जाती है। एंड अगर तुम लोगों को ये वाला मैप तो चाहिए तो मुझे अगर तुम लोग कमेंट कर सकते हो, वैसे ये वाली गन कुछ खास है नहीं, क्योंकि यार लगता है इसे इंडर ड्रैगन है क्या। अभी यहाँ पे एकदम डबल बैरल शॉटगन मिल चुकी है और उस शॉटगन की हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। मेरे को इतना ज़्यादा ये शॉटगन खास लग तो नहीं रहा है, देखते हैं
जॉम्बी के ऊपर चलते हैं, फोड़ते हैं, क्या पता यहाँ पे ये जॉम्बी के ऊपर बहुत बढ़िया काम। तो दो गोलियां चलाऊंगा तो तुम तो मर जाओगे, इससे ज्यादा ये पिस्टल ही है ना। यहाँ पे कुछ तो और देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे वैसे ही आके चेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को मिल जाता है एक बटन, एंड बटन से मैं यहाँ प्रेस करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दाई मिल जाती है, ऊजी मिल जाती है, जिसका उपयोग मेरे को समझ ही नहीं आता यार, बहुत बेकार गन है। मतलब मान लो बीजी माई में तो ये जहर गन है, लेकिन यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आया ली गन था ना यहाँ पे ना अभी। तो मैं यहाँ पे इनके बॉस वाले घर में आ चुका हूँ भाई। इस बॉस यार एक ही बार में एक ही रूप में मेरे को सीधा एक बार नो भी पहुँचा दिया, देख रहे हो। तो गाइस वीडियो अब ज्यादा लंबा नहीं बनाते हैं, तो गाइस हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अगर पसंद आता तो लाइक सब्सक्राइब करो, एंड ना मिलते हैं आप लोगों के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।